दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो बट आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। YouTube का दोस्तों कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, आप लोगों को पता होगा कि आप जो है किसी भी बड़े यूट्यूबर का म्यूजिक यूज करोगे तो उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को दिखाएगा, और ये काफी कमाल का अपडेट था। बट दोस्तों आप देखो, काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोगों को अपडेट बताया होगा, बट किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि भाई इस अपडेट का यूज सही से किस तरीके से करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मनोज भाई की यहाँ पे वीडियो पे कितना ज्यादा व्यूज है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे नजर आएगी। मतलब यूट्यूब आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी शॉर्ट वीडियो पे इतना ज्यादा व्यूज नहीं है। मतलब यहाँ पे इस अपडेट का अगर आप सही से यूज नहीं करते हो तो आपको फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, आपका शॉर्ट वीडियो वायरल भी नहीं होगा, आपका वीडियो पे व्यूज भी इंक्रीज नहीं होगा। आज मैं दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ कि इस अपडेट का सही से यूज करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग खुद देखोगे कि इस अपडेट का जो लोग सही से यूज़ कर रहे हैं उनके चैनल पे कितना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, शॉर्ट वीडियो पे लाखों में मिलियन भी व्यूज़ आ रहा है। और आप लोगों के शॉर्ट वीडियो पर अगर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो भाई ये बहुत ही कमाल का अपडेट आपके लिए हो सकता है, जिससे जिसका यूज़ करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर वीडियो की तरह शानदार वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। और मैं आप लोगों को दोस्तों कल की वीडियो का प्रमोशन के बारे में बता दूं, यानी कि कल के वीडियो में अगर आपने कमेंट किया, आप मेरे डेली व्यूअर हो, मेरी वीडियो को देखते हो, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडमली एक चैनल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और आपसे मैं इसी तरीके से प्रमोशन करूंगा, ठीक है? क्योंकि जो लोग फर्स्ट कमेंट करते हैं फिर उस वो जो है काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि भाई मेरा फर्स्ट कमेंट था इस तरीके से करके, बट मैं आपको रेंडमली यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, और जिसका भी चैनल का नाम इस तरीके से आएगा उसके चैनल का या वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाना उसको सपोर्ट करना। और आपसे दोस्तों प्रमोशन इसी तरीके से होगा, तो आप लोग फुल सपोर्ट करना जिसका भी नाम आए चैनल का, ठीक है? इसके अलावा अगर आप भी इस तरीके से फ्री प्रमोशन करवाना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट आप नीचे कर देना ताकि आप लोगों का चैनल भी मैं यहाँ पर रेंडमली सिलेक्ट कर सकूँ। तो चले गए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि YouTube ने अभी एक अपडेट किया था, तो भाई अपडेट के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, बट उसका सही से यूज करना आप लोगों को आना चाहिए। जैसे अपडेट दोस्तों कुछ ऐसा है कि आप अगर मनोज भाई की वीडियो देख रहे हो या आप जिस भी क्रिएटर को फॉलो करते हो उसकी बड़ी वीडियो को देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है? तो YouTube आपको ये फीचर देता है कि आप मेरी इस वीडियो में जो मैंने बोला है, जो मेरा साउंड है, जो मेरा ऑडियो है, उसको यूज़ करके एक शॉर्ट वीडियो अपनी क्रिएट कर सकते हो। इससे आपको फायदा दोस्तों ये मिलेगा कि आपकी शॉर्ट वीडियो रहेगी बट साउंड मेरा रहेगा वहाँ पे, आवाज़ मेरी रहेगी, और आप कोई सा भी जो मैंने कुछ भी जो लाइन बोली है उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इससे YouTube आपको ये बेनिफिट देता है दोस्तों कि आपकी शॉर्ट वीडियो को जहाँ से भी आपने वो साउंड लिया है उसके डिस्क्रिप्शन में YouTube आपकी वीडियो को दिखाएगा, यानी कि YouTube एक तरीके से आपके शॉर्ट वीडियो को प्रमोट कर रहा है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है दोस्तों, आप कहीं से भी वीडियो को मतलब साउंड ले सकते हो, जैसे वो वीडियो पे मिलियन में व्यूज़ है, लाखों करोड़ों में व्यूज़ है, आप अगर वहाँ से म्यूजिक लेते हो या साउंड लेते हो तो YouTube आपकी शॉर्ट वीडियो को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। बट यहाँ पर दोस्तों इतना अच्छा अपडेट होने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों को यहाँ पे व्यूज़ नहीं मिल रहा है। अब रीज़न दोस्तों ये है कि मैंने काफ़ी सारी टेक वीडियो देखी है। अब आप लोग दोस्तों खुद ही समझो यहाँ पे कि अगर आप जो है वीडियो बनाते हो, कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाते हो, और मेरा अगर ऑडियो यूज़ करते हो, मेरा ऑडियो यूज़ करते हो, मेरा म्यूज़िक यूज़ करते हो, मतलब म्यूज़िक तो क्या, मेरा ऑडियो यूज़ करते हो, या फिर मनोज भाई का ऑडियो यूज़ करते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, लोग समझ जाएंगे कि आपका वीडियो वो नहीं है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो भाई इस अपडेट का जो फ़ायदा है ओरिजिनल उन चैनल को है जो अपनी वीडियो में म्यूज़िक यूज़ करते हैं, या फिर फनी क्लिप्स वगैरह आपने देखा होगा, काफ़ी लोग मीम्स वगैरह की वीडियो बनाते हैं और एक हंसने वाला साउंड पीछे जो है चलता रहता है, तो इस तरह का जो वीडियो अगर आप बनाते हो या इस तरह का आपका चैनल जहां से आप कहीं से भी वीडियो अपलोड करते हो, मतलब उठा के डाल देते हो और पीछे एक साउंड चलता रहता है या म्यूजिक चलता रहता है, तब आपको इस अपडेट का फायदा मिल सकता है। बट आपका अगर मेरी तरह टेक चैनल या कोई सा ऐसा चैनल है जिसमें आपको खुद का ऑडियो की जरूरत है तो आपको भाई ये अपडेट काम नहीं करेगा और इस अपडेट पे आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये एक वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, इस वीडियो पर आप व्यूज़ देखो भाई, लाखों करोड़ों में व्यूज़ है, बहुत अच्छा व्यूज़ है। आप इस साउंड का यूज़ करके अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हो, तो मैंने दोस्तों अक्सर देखा है कि आप अगर कोई सा भी ऐसा म्यूज़िक यूज़ करते हो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग म्यूज़िक है या बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे म्यूजिक को अगर आप यूज करते हैं अपनी वीडियो में तो आपका वीडियो यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है। आप चाहे टिकटॉक पे यूज कर लो, चाहे एमएस टकाटक पे यूज कर लो, जो भी फेमस साउंड होता है, फेमस म्यूजिक होता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वीडियो बनती है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो बनाते हैं। और कोई सा भी अगर वीडियो आप अपलोड कर देते हो बट आप लोग वो म्यूजिक ट्रेंडिंग वाला यूज करते हो तो आपका वीडियो 100% वायरल होगा, यूट्यूब आपकी वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका इस तरह का चैनल है, फनी क्लिप्स या रिएक्शन चैनल या फिर इस तरह का म्यूजिक वगैरह यूज करके आप वीडियो बनाते हो, तो भाई ये अपडेट का आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। बट आप लोगों का अगर मेरी तरह टेक चैनल है या इस तरह का चैनल है जिसमें आप किसी और की ऑडियो यूज नहीं कर सकते, तो भाई इस अपडेट का आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपकी वीडियो को देख लेंगे बट वहां पर
दोस्तों लोगों को लगेगा कि वो आपका म्यूजिक नहीं है तो सिंपल मतलब आपका ऑडियो नहीं है तो सिंपल सी बात है लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा और इस अपडेट का सही से यूज किस तरीके से करना है, किन चैनल को फायदा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के यार सब्सक्राइब करना, और जो भी भाई जिसका भी चैनल का नाम आया था प्रमोशन में उसके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक, आप लोग जाना उसको सपोर्ट करना, नेक्स्ट प्रमोशन आपको होगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।